स्टार की टीम मैनपुरी पहुंची। यहां जगह जगह टीम द्वारा कॉमेडी के जरिए हॉट स्टार की जागरूकता फैलाई गई। हॉट स्टार के सहयोग से चलाए जा रहे अभियान में कलाकारों द्वारा जनपद के कई स्थानों पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। हॉट स्टार के प्रति लोगों का रुझान भी ज्यादा है। लोग ऑनलाइन कोई भी प्रोग्राम हो हॉट स्टार के जरिए देखते हैं। लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हॉट स्टार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। हॉट स्टार की बहन ने विभिन्न शहरों में जाकर जागरूकता फैलाई है। इसी कड़ी में मैनपुरी में आकर इस बहन पर सवार यह कलाकार हॉट स्टार की उपलब्धि को गिना रहे हैं और आने वाले कल को भी बता रहे हैं। हॉट स्टार सभी के लिए लोकप्रिय है। इन हास्य कलाकारों ने सभी का दिल जीत लिया। कलाकारों ने कोरोना वायरस को लेकर सभी को जागरूक भी किया। सभी से कहा है कि स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, हाथ हमेशा आते जाते समय किसी से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते कहें, हाथ बार बार धोएं, हाथ मुंह बार बार ना छुएं, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। आप केरल में आए हैं, क्या उद्देश्य आपका आने का और ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं आप? सर, हम हॉटस्टार और दैनिक जागरण की तरफ से हैं। हम अपना कार्यक्रम भी करते हैं, लेकिन जनता तक हम कोरोना वायरस से फैली बीमारियों के इलाज के बारे में बताते हैं। जैसे कि लोगों को अपने हाथ रोज धोने चाहिए, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए और किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए। बेशक उन्हें बुरा लग सकता है, लेकिन दूर से उन्हें नमस्ते कहना चाहिए ताकि बीमारी बिल्कुल ना फैले। और खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, और बाहर से कहीं किसी जगह से आते हैं तब उन्हें हाथ धोना चाहिए। रोज नहाना चाहिए, दिन में दो बार नहाना चाहिए ताकि